सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मिल सके आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय श्री राम दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण की इस गलती के कारण भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा था। ऐसी कौन सी रावण ने गलती की थी जिसके कारण भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और मित्रों के साथ इसको शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि रावण की वह कौन सी गलती थी जिस कारण भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा था। भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लेकर दुनिया से पाप और पापियों का अंत किया है। इस बात को कृष्ण अवतार में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। पाप का अंत करने के लिए ही भगवान को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा था। राम अवतार भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु को रावण का वध करके संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए लिया या हुआ था। भगवान विष्णु को यह अवतार रावण की गलती के कारण लेना पड़ा था। राम अवतार लेकर भगवान ने रावण को उस गलती का दंड दिया था। तो आइए जानते हैं रावण की यह गलती कौन सी थी जिस कारण भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा इक्ष्वाकु सूर्य के वंशज माने जाते थे, इसलिए उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता था। इनके वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था अनरण्य। अरे यार बोल नहीं पा रहा हूं। जिनका नाम था अनरण्य। अरे यार अनरण्य अनरण्य जिनका नाम था अनरण्य अनरण्य जिनका नाम था अनरण्य रावण जिनका नाम था अनरण्य रावण ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन राजा अनरण्य के राज्य पर रावण का अधिकार नहीं हो पाया था। रावण ने राजा अनरण के राज्य पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। अनरण और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के वरदान कारण अनरण रावण के हाथों पराजित हुए। रावण राजा अनरण का अपमान करने लगा। तब राजा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया और अपने अपमान से क्रोध होकर राजा अनरण ने राजा को श्राप दिया कि तूने महात्मा इक्ष्वाकु के वंशजों का अपमान किया है, इसलिए मेरा श्राप है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम के हाथों तुम्हारा वध होगा। ईश्वरीय विधान के अनुसार भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लेकर इस अभिशाप को फलीभूत किया और रावण राम के हाथों मारा गया। दोस्तों, ये था एक प्रसंग जिसके कारण से भगवान राम को रावण के वध करने के लिए अवतार लेना पड़ा था। दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग था जिसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। यदि यह प्रसंग और ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चाहते हैं इस प्रकार अन्य वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।